गुड मॉर्निंग. लेट्स कंटिन्यू आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सप्लीमेंट्री बुक्स ऑफ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड रिटन बाय रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड and the Searing Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला, जैसे नोबल प्राइज मिला था, अवार्ड मिला था मॉलिकुलर बायोलॉजी दैट इज. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट At the age of 22, हम इसमें रिचर्ड एब्राइट के बारे में पढ़ेंगे जो फैसिनेशन मतलब इट वॉज इज फैसिनेशन थी अट्रैक्शन था बटरफ्लाइज के लिए और यही बटरफ्लाइज ने उनको ओपन किया. ठीक है, उन इसी बटरफ्लाइज ने क्या किया, उनके लिए वर्ल्ड साइंस ऑफ वर्ल्ड का रास्ता ओपन किया, पाथ ओपन किया और जिससे उसने उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते थे. हम इस द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में वो कैसे साइंटिस्ट बने डैट उनकी स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पूरी चीज़ पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. रिचर्ड एब्राइट 22 ईयर्स ओल्ड थे व्हेन ही डेवलप्ड द थ्योरी कि हाउ सेल्स वर्क, कैसे सेल्स वर्क करते हैं. आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो मतलब सेल से ही बना है, डैट इज सेल्स वर्क. ये थ्योरी किसने लॉन्च की थी, रिचर्ड एब्राइट ने लॉन्च की थी और ही वॉज ओनली 22 ईयर्स. ही इज़ अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे, वो जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो वो NCC और स्काउट के ट्रेनिंग लिया करते थे और स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था. आगे बढ़ते हैं. डैटर्स रिचर्ड H.L. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. रिचर्ड एच एब्राइट और जो उनके कॉलेज रूममेट थे उन दोनों लड़कों ने मिलकर इस थ्योरी को मिलकर डेवलप किया और एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया और आर्टिकल पब्लिश कहाँ हुआ था, PNAS में. दैट इज PNAS का फुल फॉर्म था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. प्रोसीडिंग्स ऑफ द National Academy of Science of the United State of America Then it was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student. ये जो journal है that ये एक बहुत important scientific journal है that is जो प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ जो साइंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डैट हैव एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कॉलेज स्टूडेंट्स के आर्टिकल को पब्लिश किया गया था इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में. दैट एक बहुत बड़ी बात थी कि कॉलेज स्टूडेंट से इतना बड़ा थ्योरी डेवलप किया था जिसे कि इतने इम्पॉर्टेंट जर्नल ने पब्लिश किया. दैट इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक दैट इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स. बिग लीग्स मींस क्या था, लीग्स मींस ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स क्लब और टीम्स
प्लेइंग मैचेस अमंग देमसेल्फ, जो ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स क्लब रहते थे और जो टीम्स रहते थे वो लोग मैच खेलते थे अमंग देमसेल्फ, इसके लीग्स की मीनिंग डैट, और एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट दैट, देखो मेकिंग द बिग लीग मीन्स वर ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स क्लब और टीम्स प्लेइंग मैचेस अमंग देमसेल्फ। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स की टर्मोलॉजी में लेंगे रिचर्ड एब्राइट की आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने क्या किया था, वो दैट इज क्या हुआ था इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। मतलब एक एग्जाम्पल लिया गया, जैसे उनका आर्टिकल इतनी छोटी उम्र में 22 ईयर्स की एज में उनका और उनके जो रूममेट था उनका आर्टिकल प्रिंट हुआ, तो वैसे ही क्या हुआ कि अगर आप होम रन कर रहे हो, दैट इज बेसबॉल में उसे होम रन कहा जाता है या क्रिकेट में आप कहते हो जो बैटिंग की जाती है, अगर कोई सिक्सर मार रहा है 15 ईयर्स की एज में तो वो कितना खुश होगा, ठीक है। तो दैट्स वे कि मतलब कि जो हमारे रिचर्ड एच एब्रिट थे और जो उनके होम कॉलेज इनके जो कलीग थे दैट इज रूममेट जो थे, उन्होंने इस थ्योरी को, इनकी जो थ्योरी 22 इयर्स में पब्लिश हुई थी उसको लेके वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। दैट जैसे आप होम रन फर्स्ट टाइम बैट से मार रहे हो 15 की एज में, तो आप जितना खुश होंगे वही वो उतना खुश थे। और होम रन मतलब बेस बॉल जब खेला जाता है तो उसमें उसको होम रन कहा जाता है, जब उनको मारा जाता है बॉल को। दैट इज दैट फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इट वॉज देखो फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग Stirring of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. आप कह सकते हो रिचर्ड एब्राइट ने बहुत सारी बाद में अचीवमेंट की साइंस में, और जो जर्नल में जो पब्लिकेशन थी वो उनकी पहली सीढ़ी थी, जो उनकी अचीवमेंट थी वो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो भी उनका शुरू हुआ था वो बटरफ्लाई से शुरू हुआ था, और उन्हें बचपन से ही क्या था बटरफ्लाई पे बहुत अट्रैक्शन था, ठीक है। तो इट वॉज फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्टेरिंग, उनकी अचीवमेंट साइंस में तो बहुत हुई, अदर फील्ड्स में भी उन्होंने अचीव किया, लेकिन जो फर्स्ट अचीवमेंट उनकी थी, जो आर्टिकल उनका प्रिंट हुआ था इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ऑल इट वो स्टार्ट कैसे हुआ था, वो सब स्टार्ट हुआ था बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ था, और फिर वो बचपन से ही अट्रैक्ट होते थे बटरफ्लाइज को लेके, एंड ओनली रिली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल दैट इज एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया दैट इज देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड दैट कि क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक डैट इज पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, वहाँ पे एक शहर है उसका नाम क्या है रीडिंग, और उसका मतलब एल्ब्रेट वहाँ पे पढ़े थे और वहीं पे वो मतलब पढ़े भी थे, वहीं पे वो पैदा हुए थे और वहीं पे वो पढ़े थे, वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं था कि मुझे वहाँ पे कुछ करना चाहिए। दैट एट आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स। अब जो रिचर्ड एब्रिट क्या करते थे, वहाँ पे वो बिल्कुल अकेले थे,
तो वो अकेले थे तो वो फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल नहीं सकते थे, लेकिन वो अकेले होते हुए कुछ वर्क कर सकते थे, जैसे कि चीज़ों को कलेक्ट करना। वो मतलब बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है। कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कोई रुपीज़ अलग कलेक्ट करता है, कोई बुक्स कलेक्ट करता है। तो ऐसे रिचर्ड एब्राइट थे जो मतलब अपने टाइम में वहाँ पर अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ कोई खेलने वाला तो थे था नहीं। तो डैटन एंड सो दैट सो ही डिड एंड डिड ही एवर सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज एंड यू कैन से दैट कि अब रिचर्ड एब्राइट एक डिटर्मिंड और एक हार्ड वर्किंग कैरेक्टर थे। जब से वो किंडरगार्टन में थे, एक केजी में थे, तब से वो बटरफ्लाईज कलेक्ट करने लगते थे। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क थे, मतलब इतनी छोटी उम्र से ही उनमें बहुत ज़्यादा ही डिटर्मिनेशन थी, और जब बड़े हुए हुए तो उनके हर एक्टिविटी में वो डिटर्मिनेशन दिखाई देने लग गए, और छोटे में ही वो बड़ी शिद्दत के साथ बटरफ्लाईज को कलेक्ट करते थे। ठीक है, बड़े बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, जब वो केजी में थे तभी वो चीज़ें कलेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दैट ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड क्वाइंस ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार ग्रेजिंग ऑल नाइट समटाइम्स स्टार ग्रेजिंग ऑल नाइट दे आप कह सकते हो दैट इज के रिचर्ड एब्राइट और क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे, पत्थर कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स मतलब फॉसिल्स मतलब डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को कलेक्ट करना, और दैट इज कॉइन्स को भी कलेक्ट करना था। वो एक एगर एस्ट्रोनॉमर थे कि वो क्या करते थे, सम टाइम रात में वो स्टार्स को देखा भी करते थे, रात में वो क्या करते थे, स्टार्स को देखा भी करते थे। एंड फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ एंड फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरोसिटी along with a bright mind उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, क्यूरिसिटी थी। ये जो जिज्ञासा थी यही उनको ड्राइव करती थी, मोटिवेट करती थी, जिससे कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, नॉलेज कलेक्ट करे, और उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी थे। दैट He also had a mother who encouraged his interest in learning. उनकी जो मदर थी, उनके पास जो उनकी मदर थी, वो ऑलवेज उन्हें encourage करती थी his interest in learning. मतलब उनके interest, उनके जो शौक को बढ़ावा देती थी, encourage करती थी कि वो अपने शौक में आगे बढ़ावा देंगे। ठीक है, और जिनकी वजह से मतलब उनकी मदर चाहती थी कि वो बहुत अच्छे से साइंटिस्ट बने, बहुत अच्छे से डेवलप करें। दैट शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स बॉट हिम टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स कैमरास माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट
एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वे. जो उनकी मदर है वो उनकी बहुत देखभाल करती थी, उनकी बहुत मतलब उनको एनकरेज भी करती थी, उनकी हेल्प भी बहुत करती थी. ठीक है, वो क्या करती थी, बहुत मेहनत करती थी. उन्हें पता था कि रिचर्ड एब्राइट बहुत क्यूरियस चाइल्ड है, तो इसीलिए वो उन्हें बहुत अलग अलग चीज़ें उन्हें देती थी जिससे कि वो अपने मतलब अपनी क्यूरोसिटी को पूरा कर सके. इसलिए वो उन्हें अलग अलग मटेरियल्स को अवेलेबल कराती थी. दैट इज शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. वो उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाती थी, टेलीस्कोप लेके देती थी, माइक्रोस्कोप्स लेके देती थी, कैमराज लेके देती थी, माउंटिंग मटेरियल्स लेके देती थी और अदर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती थी जिससे कि उनको हेल्प मिले. मतलब अदर वेज में भी वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करती थी. दे स्टैंप्स भी लेकर आते थे. ठीक है, वो मतलब हमेशा क्या होता है कि बचपन से एब्राइट बहुत क्यूरियस थे. उनकी क्यूरियसिटी को दूर करने के लिए उनकी मदर उनकी हर तरह से हेल्प करती थी. आज उनकी मदर उनकी हर तरह से हेल्प करती थी. और आप कह सकते हो रिचर्ड एब्राइट को एक ब्राइट माइंड मिला, हार्ड वर्किंग थे वो, डिटर्मिनेशन भी मिला, उन्हें क्यूरियसिटी मिली और उनकी एक ऐसी मदर मिली जो उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करती थी. उनकी मदर उनकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करती थी. एंड आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन. दैट आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल. ठीक है, और हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम दैट जब तक रिचर्ड एब्राइट स्कूल नहीं गए थे तब तक उनकी कंपेनियन उनकी फ्रेंड कौन थी, उनकी मदर थी. और जब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड फॉर हिम, तो उनकी मदर उन मतलब उनके दोस्तों को घर लेकर आने लग गई. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. रिची वॉज माई होल लाइफ. After his father died, when Richie was in third grade, ये Richard Ebright की मदर ने कहा. दोनों मतलब एक घर में हुआ करते थे, दोनों रहते थे और नाइट में क्या होता था, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. वो लोग कुछ चीज़ें साथ में करते थे या कभी क्या होता था, वो लोग अलग अलग चीज़ें करते थे, अलग अलग नॉलेज को गेन करते थे. और रिची वॉज माई होल लाइफ. उनकी मदर क्या कहती है, रिची और मतलब रिचर्ड को वो क्या कह रही है, रिची कह रही है कि रिची मेरी पूरी ज़िंदगी बन गया था. जब से उसकी फादर की डेथ हुई थी, जब वो थर्ड ग्रेड में था तब उसकी डेथ हुई थी. ठीक है, जब रिचर्ड थर्ड क्लास में थे तो रिचर्ड के फादर की डेथ हो गई थी. ठीक है, एंड शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If he did not have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it. He wanted to learn. अब उनकी मदर ने क्या कहा, उनकी मदर कहती हर शाम दोनों डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठा करते थे और अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे. अगर रिचर्ड एब्राइट के पास करने को कोई काम नहीं होता था तो वो उन्हें काम देती थी. ऐसा काम वो नहीं देती थी जो कि फिज़िकल वर्क हो. ठीक है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू करना, ग्रूम कर, मतलब एंड बट लर्निंग अलग. वो उन्हें क्या करती थी, अलग अलग चीज़ों को लर्न करने के लिए चीज़ें देती, मोपिंग करना लाइक डैट, ये सब काम उन्हें नहीं देती थी फिजिकल वर्क. वो उन्हें क्या देती थी, अलग अलग चीज़ों को लर्न करने के लिए देती थी. ठीक है, क्योंकि जो रिची है उनको बहुत पसंद था लर्न करना, उस की चीज़ों को सीखना. ठीक है, वो रिची को बहुत ज़्यादा पसंद था और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से करते भी थे. And learn he did. He earned top grades in school.
and he मतलब and learn he did. He earned top grades in school. On everyday thing, he was just like every other kid. His mother said. जो रिचर्ड एब्राइट की जो मेन क्वालिटी क्या है, वो नई नई चीज़ों को लर्न करना बहुत पसंद था, याद करना बहुत पसंद था, और बचपन से ही एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और उनके स्कूल में हमेशा उनके टॉप ग्रेड्स आते थे. वो बाकी सब चीज़ों में वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे थे, ये उनकी मदर ने कहा. और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी वो एक उसमें नॉर्मल बच्चे आम बच्चों की तरह रहते थे. बट बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, ए ब्राइट हैज़ कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. और हमने पहले पढ़ा था कि जब तक वो किंडरगार्डन में थे तब से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे. ठीक है, जब तक वो किंडरगार्डन में थे तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बटरफ्लाइज को कलेक्टर. और जब सेकेंड ग्रेड में पहुँचे, वो सेकेंड क्लास में पहुँचे, तो उन्होंने एब्राइट ने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था 25 सेकेंड क्लास में पहुँचते. ठीक है, एंड जो उनके आसपास के अराउंड में जो उनको स्पीसीज बटरफ्लाइज मिलती थी उसको उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था सेकेंड क्लास तक आते आते. आप ये सी फॉलोइंग बॉक्स, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग. ठीक है, पेंसिल्वेनिया में उन्होंने ये 6 वीक्स में ही मतलब रीडिंग एक प्लेस है वहाँ पे उन्होंने इसको कलेक्ट किया था. और ये सारी चीज़ें मतलब इस टाइप की बटरफ्लाइज थी, उसके स्पीसीज है. ठीक है, एंड अब क्या था, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड. But then my mother got me a children's book called the Travels of Monarch X. That is क्या हुआ था कि that probably would have been the end of my butterfly collecting. मतलब 25 species तो उन्होंने already collect कर ली थी. अब क्या था कि मतलब क्या पता उनका interest ख़त्म हो जाए, अब वो ना करे butterfly पे research या butterfly collect ना करे. तो क्या हुआ उनकी mother ने, उनकी मदर ने गॉट में उनके लिए वो एक चिल्ड्रंस बुक लेकर आए जिससे कि उनका इंटरेस्ट बटरफ्लाई से ना खोए. तो वो उनके लिए एक बुक लेकर आए और जो बुक थी डैट कॉल, उस बुक का क्या नाम था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. और जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स थी डैट इज़ मोनार्क एक्स, से आप कह सकते हो कि मोनार्क एक्स मीन्स कि एक स्पीसीज थी बटरफ्लाई की, एक स्पीसीज थी मोनार्क एक्स. एंड मोनार्क एक्स बटरफ्लाई की एक स्पीसीज थी. एंड दैट इज द दैट बुक. ठीक है, इसको मतलब रिचर्ड के इस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए वो ये बुक लेकर उनके लिए आ गई थी जिससे कि वो इंटरेस्ट से मतलब बटरफ्लाई का इंटरेस्ट कभी उनकी लाइफ में कम ना हो और हमेशा बढ़ती जाए. और इसलिए वो मोनार्क एक्स लेकर आ गई थी. दैट बुक विच शोड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द eager young collector. ये जो बुक थी जो ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स थी, इसमें ये बताया गया थी कि मोनार्क जो बटरफ्लाइज थी वो सेंट्रल अमेरिका जाती है माइग्रेट कर. ठीक है, ये जो बुक है इसकी वजह से जो रिचर्ड एब्राइट की क्यूरोसिटी बटरफ्लाई को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई. जो वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, अब वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते थे उन बटरफ्लाइज के बारे में. दैट
at the that at the that is at the end of the book, at the end of the book, readers were at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick Arquarent of the University of Toronto, Canada. University of Toronto, Canada. Canada में एक शहर है, मतलब क्या था, डॉक्टर जो फेडरिक थे उखाट दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे, दैट इज कैनेडा में, टोरंटो एक सिटी है वहाँ पे, ठीक है, फेडरिक उखाट थे और उन्होंने कहा क्या 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 कहा कि दैट इज एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन. रीडर्स वर इनवाइटेड, उन्होंने कहा एंड ऑफ द बुक आप क्या कर सकते हैं, बटरफ्लाइज के माइग्रेशंस के बारे में लिख सकते हैं, उनकी स्टडीज के बारे में लिख सकते हैं. और दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, उन्होंने कहा कि आप बटरफ्लाइज को टैग कर सकते हैं, मतलब टैग मतलब असली बटरफ्लाई को टैग नहीं करना, छोटे छोटे स्टिकर्स को लगा देना, उसकी स्पीसीज के स्टिकर्स को लगा देना कि आपने किस बटरफ्लाई के बारे में रिसर्च की, कौन सी बटरफ्लाई थी, क्या थी, उनके रिसर्च के बारे में, उस चीज़ के बारे में वहाँ पे लगा देना. एंड दैट आप दैट आप मतलब दैट एट दी सॉरी एब्राइट्स 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 मदर रोड टू डॉक्टर उखाट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Richard Ebright की मदर ने भी कहा कि रिचर्ड एब्राइट की मदर ने लिखा डॉक्टर उखाट को कि सून एब्राइट ने भी अटैच करना स्टार्ट कर दिया, अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स को, मतलब उसके विंग्स, मोनार के विंग्स में उसने भी टैग करना स्टार्ट कर दिया. देट Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. मतलब उखाट, डॉक्टर उखाट ने कहा कि जिसको भी एक tagged butterfly मिलेगी तो वो किसको सेंड करेगा, वो tagged butterfly डॉक्टर उखाट को सेंड कर दे. Then आप कह सकते हो the butterfly collecting season, the fly collecting season around reading last 6 weeks in the last late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. अब एक पर्टिकुलर सीजन है जब बटरफ्लाई ज़्यादा उड़ती हैं, तभी बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया जाता है और उसको हम बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कहते हैं. ये 6 weeks तक चलता है, लेट समर में स्टार्ट होता है. और फर्दर राइटर ये कहते हैं कि अगर आप एक एक करके बटरफ्लाइज को चेस करेंगे, उनको पकड़ने के लिए दौड़े करेंगे, तो वो ज़्यादा बटरफ्लाइज को कैच नहीं कर पाएंगे. और अब यहाँ पे दिया गया है कि कितने बटरफ्लाइज को सिक्स, इस मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल दिया है कि कितनी बटरफ्लाइज को, किस स्पीसीज की बटरफ्लाइज को ज़्यादा कलेक्ट किया गया है इन 6 months के सीजन में. आप देख सकते हैं रिचर्ड एब्राइट ने कितने स्पीसीज को कलेक्ट किया है. सो द नेक्स्ट टाइम फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई he would catch a female monarch. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies and he would catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa
two adult butterfly. That is, so the next step for Abright was to raise. मतलब क्या था, जो next step था, पहले तो उसने tag किया, next step जब उसने collect कर लिया तो उसने क्या किया, उनको पालना start कर दिया. अब वो उनको बड़ा करने लगा, पालने लगा. और flock of butterflies या आप collecting of nouns कह सकते हो, ठीक है, group of flock of butterflies या group of butterflies, ये collecting nouns. ही वुड, उसने एक फीमेल मोनार्क को वो पकड़ लेते थे और जब वो एग लेस करते थे तो वो अपने बेसमेंट में इसको बड़ा करते थे और उसके सारे लाइफ साइकिल को स्टडी करते थे कि वो एग से कैसे कैटरपिलर बना, कैसे वो प्यूपा बना और ये कैसे बटरफ्लाई बना. ये रिचर्ड, मतलब आप कह सकते हो जो रिचर्ड है वो उसको स्टडीज करते थे, उसके एक एक लेवल को स्टडीज करते थे. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. That is, then he would tag the butterfly. और वो क्या करते थे? Tag करते थे butterflies को. That butterfly migration, they were asked to tag butterfly for research. ठीक है, that is, जब उखाट ने कहा था, जब आप इस बुक को रीड कर लोगे तो आप बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट करिए. और बटरफ्लाइज को कैसे टैग किया जाता था, उनकी स्किन पे एक छोटा सा वाइट कलर का कुछ लगा दिया जाता था, डैट इज टैग कर दिया जाता था. उन्होंने अपने रिसर्च में, फेडरिक ने कहा था, टोरंटो में जो कैनेडा में यूनिवर्सिटी में थे, डैट इज उन्होंने कहा कि आप बटरफ्लाइज को टैग करके छोड़ दीजिए. और यही कहा, then he would tag the butterflies wings and let them go. और उसके बाद उन्होंने बटरफ्लाई पालना भी स्टार्ट कर दिया. तो जैसे ही वो बटरफ्लाई बड़ी हो जाती थी, उनके विंग्स में वो टैग लगा देते थे और उनको क्या कहते थे, और उनको वो छोड़ देते थे उड़ने के लिए. और फॉर सेवन ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज, काफ़ी सालों तक रिचर्ड ब्राइट ने, रिचर्ड एडब्राइट ने यही काफ़ी सालों तक किया. और उन्होंने मोनार के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को काफ़ी ईयर तक गौर किया, काफ़ी स्टडी तक वो गौर करते थे. देन फॉर देन, और सोवल ईयर्स तक उन बेसमेंट में क्या हो गया था, थाउजेंड्स होम्स बन गए थे. डैट इज वॉज अ होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्स के होम बन गए थे. डैट इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा था, different stages of development वहाँ पर हो रहा था. That is, eventually I begin to lose interest in tagging butterflies. ठीक है, and देखिए, eventually I begin to lose interest in tagging butterflies. It's tedious, and there's not much feedback, Abright said. ठीक, tedious मतलब कि tiring. ठीक है, देखो रिचर्ड ने इवेंचुअली क्या कहा, आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई. अब उनका लूज मतलब इंटरेस्ट लूज हो रहा था बटरफ्लाइज को टैग करने में. उनका इंटरेस्ट क्या हो रहा था, लूज हो रहा था बटरफ्लाइज को टैग करने में. और इट इज टेडिशियस एंड मतलब एक टायरिंग हो गया था उनके लिए. देयर इज नॉट मच फीडबैक, एब्राइट ने कहा. ठीक है, और ये करने पे उनको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और वो टायर्ड भी फील करने लग गए थे. एंड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड. दैट इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट. ठीक है, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड. ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles from where I lived. That is कि देखिए रिचर्ड ने क्या कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैंने बहुत किया, ही लाफ्ड.
एंड ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग वर रिकैप्चर. मैंने टू बटरफ्लाइज को टैग किया था और उन्हीं को मैंने रिकैप्चर किया, दोबारा पकड़ा. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम दी वेयर आई लिव. और वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ हम रहते थे, 75 मिलियन दूर पर ही वो मिली थी. एंड तो इसलिए उसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि को वो माइग्रेट करती हैं कि नहीं, कहीं और जाती हैं कि नहीं. और इसीलिए रिचर्ड एडब्राइट का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उन्होंने मतलब उसके बारे में ढूंढना बंद कर दिया. दैट देन इन द सेवेंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज व्हेन ही entered a country, reason, science, fair and lost. आप कह सकते हैं that is fair and lost. At that is कि counting काउंटी मीन्स की रीजन एक पर्टिकुलर एरिया. जब वो सेवन्थ क्लास में थे तो उन्होंने एक रीजनल साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गए थे. तब उन्हें रियलाइज हुआ कि असली साइंस क्या है. पहले तो उन्हें लगता था उन्हें सब साइंस आती है, लेकिन बाद में उन्हें फिर रियलाइज हुआ कि असली साइंस क्या है. ठीक है, सेवन्थ ग्रेड में पहुँचने के बाद जब वो एक साइंस फेयर में हार गए, लॉस्ट हो गए, देन एंड इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग एल्ब्राइट सेड. क्या हुआ था, इट वॉज रियली सैड फीलिंग. एक आप देख सकते हो कि सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी सक्सेस पाने के लिए फेलियर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और दैट इज रिचर्ड एब्राइट में साइंस में जब हिस्सा लिया तो वो कुछ भी नहीं जीता और वो कुछ नहीं जीत पाए थे, वो हार गए थे. और उनके आसपास जितने भी लोग थे सब ने कुछ ना कुछ जीता था, उनको छोड़कर सब ने कुछ ना कुछ विन किया था. And that his entry was slides of frog's tissue which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. इन्होंने क्या किया था उस साइंस में, उस साइंस के फंक्शन में इन्होंने माइक्रोस्कोप, उन्होंने मतलब कि स्लाइड्स बना दिए थे. दैट इज इट वॉरली सैट. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू. उनकी जो एंट्री हुई थी उन्होंने स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज बनाए थे विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. और वो सबको माइक्रोस्कोप के अंदर में ये चीज़ें शो कर रहे थे. और उन्होंने फिर रियलाइज किया ही बस His entry was slides of frog tissues. ठीक है, फिर उन्होंने realize किया the winners had tried to do real experiment. तब उनको realize हुआ कि जो winners हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतलब try किया है to do real experiment. उन्हें उन्होंने और जो other winners थे उन्होंने तो real experiment दिखाया था. ठीक है, उनकी तरह नीट डिस्प्ले शो नहीं कर दिया था, स्लाइड शो नहीं की थी उन्होंने, दिखाया कि रियल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया था. इसीलिए उन्हें कुछ ना कुछ मिला है और वो इसीलिए उन्हें कुछ ना कुछ मिला है. ठीक है, तो ये उनको इस बात को उनको समझ में आ गया था दैट अब मतलब
मतलब उन्हें एक इस बात का रियलाइज हो गया था, उन्होंने सिर्फ स्लाइड्स बनाई थी, नीट डिस्प्ले बनाया था, स्लाइड्स बनाई थी फ्रॉक टिश्यूज पे, और आप उसको किसके अंडर में हम लोग देख सकते थे, माइक्रोस्कोप के अंडर में हम लोग उसे देख सकते थे, चेक कर सकते थे, ठीक है, उन टिश्यूज को। उन्हें रियलाइज हो गया था जो कि विनर्स हैं वो साइंस में, विनर्स वो होते हैं जो मेहनत करके जो रियल एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ठीक है, नीट डिस्प्ले। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आपको साइंस का एक्सपेरिमेंट दिखाना है तो आपको उसको ट्रूली हकीकत में करके दिखाना होगा, उसे आप पेपर वर्क्स में या नीट डिस्प्ले में नहीं कर सकते, जब आप इसमें करोगे तो आप भी विनर कहलाओगे। डैट And that जब रिचर्ड एब्राइट हार गए तो ऑलरेडी द कंपिटेटिव स्प्रिट दैट डिराइव रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग, ठीक है, आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही डे रियल एक्सपेरिमेंट ही सेड। अब क्या हो गया था कि वो ज्यादा ही बड़े, देखो जैसे ही वो साइंस में हारे थे तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्प्रिट है वो जाग उठी, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर के फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिससे कि वो लोगों को दिखा सके, और मतलब रियल एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगता है, डैट इज कि वो लोगों को दिखा सके रियल एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है, और उसकी प्रैक्टिस में वो टोटली जुट गए, रियल एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस में वो टोटली जुट गए। एंड दैट आगे डैट वो रियल एक्सपेरिमेंट। अब रिचर्ड एब्राइट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था, उनका इंसेक्ट वर्क था, दैट उन्होंने बचपन से ही इंटरेस्ट में दिखाया था कि इंटरेस्ट में उन्होंने दिखाया था कि उनको इंसेक्ट पे वर्क करना कितना अच्छा लगता है, और वो इसी सेवल ईयर्स से उन्होंने यही काम किया था, आई हैव बीन डूइंग इन द मस्ट पास्ट सेवल ईयर से वो यही काम कर रहे थे, इंसेक्ट पे स्टडीज कर रहे थे, डैट एंड आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट, अपने पास से वो ये सारी चीज़ें करते आ रहे थे, एंड that so he wrote that is that so he wrote to Dr. Oakert for ideas and back came a stack of suggestion for experiment, those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fair। और उन्होंने फिर क्या किया, डॉक्टर ओकहार्ट को एक मेल लिखा और उनसे एक आइडियाज़ मांगा कि वो किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसेक्ट से रिलेटेड, और ओकहार्ट ने स्टैक ऑफ मतलब बहुत सारे पाइल में सजेशंस भेजे थे, ठीक है, पाइल्स में सजेशन भेजे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी दिए, एंड एल्ब्राइट बिजी, ये जो सजेशन और जो आइडियाज थे वो पाइल में थे, और ठीक है एब्राइट ने सब आइडियाज को स्टडी किया, और ठीक है उन्होंने इन सब आइडियाज को पढ़ा, एक्सरसाइज किया, मतलब एक्सपीरियंस किया, और उन हाई स्कूल में वो कभी स्कूल में पढ़े ही नहीं, एंड इन सब एक्सपेरिमेंट्स को जब उन्होंने फेयर्स में या कॉम्पिटिशन्स में आधा परफॉर्म किया है तो फिर दैट इज
क्या हुआ था कि दोस्त केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. ऑल थ्रू हाई स्कूल में वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे और लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री. इन कंट्रीज मतलब रीजन में वो प्राइजेस जीतने लग गए थे और इंटरनेशनल सर्विस साइंस फेयर में भी उन्हें बुलाया गया क्योंकि देश भर में उनकी चर्चाएँ होने लग गई थी, फेमस हो गए थे. इस समय पता चलता है कि रिचर्ड एड्राइट रिचर्ड ने बहुत ही मेहनत की इन प्राइजेस को जीतने के लिए. उसने बहुत मदद की या हेल्प की.